नमस्कार दोस्तों, आरडी टोन मेकिंग में आपका स्वागत है। आज हम लेके आया है यामाहा PSR E373 कीबोर्ड का, यामाहा PSR E373 कीबोर्ड का प्यार करने वाले शांत से और ये मेरा दिल, इस टाइप का जो स्टार्टिंग म्यूजिक है, स्टार्टिंग पैच ब्रास टोन के साथ RPGO टोन। मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा ट्राई किया और टोन भी बनाया, आप लोग भी बना लीजिए, बहुत अच्छा टोन मिल जाएगा यामाहा PSR E373 कीबोर्ड पर। प्यार करने वाले शांत से और ये मेरा दिल जो स्टार्टिंग पैच बजता है, स्टार्टिंग म्यूजिक बजता है, थोड़ा सा वही फ्लेवर मैं कोशिश किया। सुन लीजिए इसका टोन, उसके बाद इसका पैरामीटर हम बताते हैं। बहुत अच्छा टोन मिल जाएगा यामाहा PSR E373 कीबोर्ड पर। तो चलिए दोस्तों, इस टोन को कैसे मॉडिफाई करते हैं आइए हम सिखाते हैं। सबसे पहले वॉइस बटन को एक बार प्रेस कर दीजिए और ब्रास सेट जो है 457 उस टोन को लाइए, 457। उसके बाद फंक्शन बटन को एक बार प्रेस कर दीजिए, ट्रांसपोज 00 रख दीजिए, फंक्शन बटन प्रेस, ट्यूनिंग 440, फंक्शन बटन प्रेस, स्पीड पॉइंट 049, ऐसे आपको 049 पे रखना है। फिर फंक्शन बटन प्रेस, आगे बढ़ते हैं टच रेंज, मैंने सॉफ्ट रखा है, आप अपना हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं प्लस माइनस करके, इधर मीडियम है, हार्ड है, फिक्स्ड भी है। फिक्स्ड करने से आपका टच, कीबोर्ड का टच कट जाएगा। फिलहाल हमको थोड़ा सा टच चाहिए, मैंने सॉफ्ट रख दिया मेरा हिसाब से, आप अपना हिसाब से रख दीजिए। फिर फंक्शन बटन प्रेस करके आगे बढ़ते हैं एम वॉल्यूम, मास्टर वॉल्यूम 105, प्लस माइनस करके आपको ऐसे 105 लाना है। फंक्शन बटन प्रेस, एम ऑक्टेव 0, फंक्शन बटन प्रेस, एम कोरस 020, प्लस माइनस करके आपको ऐसे 020 रखना है। फिर फंक्शन बटन प्रेस, डी वॉइस डुएल वॉइस 458, आपको नंबर लाना है डुएल वॉइस पर। उसके बाद फंक्शन बटन प्रेस करके आगे बढ़ते हैं, डुएल वॉल्यूम आप रख दीजिए 065, ऐसे आपको नंबर मिलाना है। फिर फंक्शन बटन प्रेस, डी ऑक्टेव 0, फंक्शन बटन प्रेस, डी कोरस 020, ऐसे आपको 020 मिलाना है। फिर फंक्शन बटन प्रेस, एस वॉइस आप रख दीजिए 269, गिटारस्ट जो टोन है उस टोन को लाइए स्पीड वॉइस पर। उसके बाद फिर फंक्शन बटन प्रेस करके आगे बढ़िए, एस वॉल्यूम 127, इसका वॉल्यूम रख दीजिए ऐसे मिला के। फिर फंक्शन बटन प्रेस, एस ऑक्टेव प्लस 1, ऐसे 0 रहेगा ऐसे आप प्लस 1 रख दीजिए। फिर फंक्शन बटन प्रेस, एस कोरस 090, ऐसे आपको 090 रखना है। फिर फंक्शन बटन प्रेस, अब सीधा आ जाइए रिवर्ब पर, रिवर्ब 03 हॉल 3 नंबर आप रख दीजिए ऐसे, 03 हॉल 3 नंबर।
प्लस माइनस बटन दबा के, फिर फंक्शन बटन प्रेस करके आगे बढ़ते हैं। रिवर्ब लेवल अब रख दीजिए 090, ऐसे आपको 090 पे रखना है। फिर फंक्शन बटन प्रेस, कोरस, कोरस 1 रख दीजिए। डीएसपी टाइप अब रख दीजिए 38 नंबर, 37 38। और इधर से आपको चार बटन ऑन करना है, क्या क्या बटन? डीएसपी बटन, आरपीजीओ बटन, स्प्लिट बटन और ड्यूल बटन, 1 2 3 4। ये मेरा चारों बटन ऑन है, देख लीजिएगा, नहीं तो आपका टोन का फ्लेवर नहीं आएगा। डीएसपी, ड्यूल, आरपीजीओ और स्प्लिट, डीएसपी, ड्यूल, आरपीजीओ, स्प्लिट, चारों बटन प्रेस करके ऑन कर दीजिए। और लेफ्ट साइड में आपको टेम्पो पे प्रेस करके, टेम्पो बटन प्रेस करके 155 इसको टेम्पो रखना है, ओके। फिर फंक्शन बटन प्रेस, सस्टेन ऑफ, मास्टर इक्वलाइजर 3 नंबर पे रख दीजिए, ऐसे मिला के 3 नंबर, बूस्ट। फिर फंक्शन बटन प्रेस, हार्मोनाइज आरपीजीओ, अप डाउन नहीं, सिर्फ डाउन ऑक्टेव जो है 028 मिला लीजिए, ऐसे डाउन ऑक्टेव 028, 28 नंबर डाउन ऑक्टेव। फिर फंक्शन बटन प्रेस, हार्मोनाइज वॉल्यूम इसका रख दीजिए 127, ऐसे आपको नंबर मिलाना है। फिर फंक्शन बटन प्रेस, आरपीजीओ वैल्यू आप ओरिजिनल रख दीजिए, ऐसे ऐसा आएगा, ऐसा आएगा अपने बाद, ओके। यही इसका सेटिंग्स है और इधर में और कुछ नहीं है। आपका टोन एकदम रेडी हो गया। जब टोन रेडी हो जाएगा, टोन रेडी होने के बाद टोन सेव कर लेते हैं। ये देखिए टोन, ये देखिए टोन मेरा, ऐसा जब टोन आएगा लेवर, कहाँ पे सेव करेंगे? जैसे मैं दिखाने के लिए बोल रहा हूँ, 1 से 9 तक ये इस कीबोर्ड पर 9 टोन आप बैंकिंग कर सकते हैं, यानी सेव कर सकते हैं। जैसे अभी ये टोन रेडी होने के बाद जब आप टोन बनाएंगे, टोन मॉडिफाई हो जाएगा कंप्लीट, ऐसा फ्लेवर आएगा, तब सेव करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। बैंकिंग मेमोरी बटन जो है, इस बटन को, रजिस्ट्रेशन मेमोरी बटन को एक बार ऐसे प्रेस कर दीजिए, एक बार दबाने से ऐसा लिखा आएगा रोड नंबर और रजिस्ट्रेशन, ऐसे लिखा आएगा। फिर दोबारा वही मेमोरी बटन को ऐसे एक बार होल्ड करके रखना है। इधर देखिए, अभी मेमोरी नंबर आ गया और रजिस्ट्रेशन जो लिखा है वो अप डाउन हो रहा है, यानी आप अभी आप किसी भी नंबर पे ये टोन सेव कर सकते हैं। जैसे मैं दिखाने के लिए बोल रहा हूँ, अभी ये टोन मेरा 2 नंबर में सेव करना है, तो 2 नंबर ऐसे दबा दीजिए, जो भी नंबर आपका पसंद है वही नंबर दबा दीजिए, इधर वही नंबर आ जाएगा। फिर वही नंबर पे कंफर्म करने के लिए इधर जो प्लस बटन है, यस लिखा हुआ, उस बटन को ऐसे दबा दीजिए, आपका टोन वहीं पे सेव हो जाएगा, यानी बैंकिंग हो जाएगा। अभी इस टोन को निकालेंगे कैसे? इस मेमोरी बटन को ऐसे एक बार प्रेस कर दीजिए, अब ये लोडिंग हो गया, ये सब लोडिंग के काम करेगा। अभी 2 नंबर दबा दीजिए, ये देखिए मेरा टोन, ऐसे आपको टोन सेव करना है दोस्तों, ओके। तो इससे आगे मैं यामाहा i500, यामाहा i400, यामाहा i455, यामाहा e463, यामाहा e473, यामाहा e363, यामाहा e373 सेवेंथ मॉडल का मैं बहुत सारा टोन मॉडिफाई करके मेरे चैनल पर डाल चुका हूँ, वीडियो बना के आप लोगों के लिए। आप लोग मेरा चैनल पर जाइए, मेरा ऑल वीडियो क्लिक करके फॉलो कीजिए, चेक करिए, आप लोगों का मनपसंद जो मॉडल मैंने बोला है
अगर आप लोगों के पास वो सब मॉडल है, जो जो मॉडल मैंने बोला है अभी, देख लीजिए, बहुत सारा टोन है, एकदम फ्री में, कोई पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ आपको वीडियो देखना है और टोन बनाना है। ओके दोस्तों, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।